चलिए देखिए, नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर 5 करा रहे हैं आप लोगों, देखिएगा ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी का चैप्टर। तो अभी साइंस का क्लास नहीं आज, तो फ्राइडे सैटरडे आज ये कर देख लेते हैं जी। ज्योग्राफी देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो आपने जाकर के वो पेड़ पौधे ना लगाए, ऑटोमेटिक कहाँ पेड़ पौधे दिखेंगे। तुम काम करो लड़के, तो लो ना पानी, ये कुर्सी जरा अरेंज करो तो बेटे वंस इस तरह से नहीं रखते। देखिए तो नेचुरल वेजिटेशन जो है मतलब कि फॉरेस्ट की बात हो रही है, जंगलों की बात हो रही है, जहां नेचर के द्वारा खुद ब खुद पेड़ पौधे उगते हैं। और वाइल्ड लाइफ का मतलब याद रखिएगा जंगल में रहने वाले, पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ मान लीजिए, ठीक है। देखो अगर हम इंडिया की बात करें, भारत में इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बायोडायवर्सिटी 8 क्लास में भी आया था। बायोडायवर्सिटी का मतलब जानता है कोई बच्चा यहाँ पे, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? जैव विविधता, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोडायवर्सिटी मतलब वैरायटीज, हाँ वही, उसी के ऊपर चैप्टर ही है पूरा। अब देखिए आपको मैं बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में 12 बायोडायवर्स कंट्री है, 12 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में अर्थ पर जहां बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्वांटिटी में एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं। बिल्कुल, वो कॉन्टिनेंट है बेटा, उसके कंट्रीज के नाम बात करेंगे तो होगा, कंट्री की बात कर रहा है। ब्राजील भी है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे अमेज़न है। और अमेरिका, अफ्रीका में कांगो होगा आपका, कांगो या जायरे जो कंट्री है बिल्कुल इक्वेटर लाइन पे। तो मोस्टली आपको मैं बता दूं, जो भी बायोडायवर्सिटी वाले रीजन मिलेंगे आपको, मतलब जैव विविधता वाले क्षेत्र जहां बहुत अधिक बायोडायवर्सिटी है, वो कहां मिलेगा? वो निश्चित रूप से इक्वेटर के आसपास ही मिलेगा, या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे, तो इक्वेटर वाले रीजन तो सारे आए जाएंगे उसके अंदर। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया के इन 12 देशों में से एक है, और इंडिया में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी आप लोग बता सकते हैं किस रीजन में पाई जाती है कोई बच्चे? देखिए वेस्टर्न घाट, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है वहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली ओनली साउथ, और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर भारत, ठीक है ना, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, जितने भी त्रिपुरा, अगरतला जो भी है, सारे के सारे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं वहां, समझ रहे? कहा वेस्टर्न घाट, हाँ टाइगर पाए जाते हैं। क्या हुआ? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर जंगल से गायब होने की बात कर रहे हो तो वहां मुश्किल हो जाता है, अगर रास्ता कोई भटक जाए तो आना मुश्किल, ठीक है ना। फोन कहाँ से नेटवर्क जंगल में रहेगा पहाड़ों में? नहीं मुश्किल है, नहीं निकल के तो आ ही जाते हैं, वहां पे सर्चिंग टीम जाती है, निकाल के ले आते हैं, जो ट्रेवल्स लोग तो वो भी हेल्प करते हैं, तो बड़ी बात। लेकिन आप ये मत सोचिएगा अमेजोन में या पनामा के जंगलों में, उधर अगर इक्वेडोर निकारागुआ में चले गए तो भैया खत्म ही है, फिर तो मिलेंगे ही नहीं लोग, मिल बहुत घने जंगल, बहुत सर्चिंग टीम को मिल गए चांस। हाँ जी, तो पूरे जंगल में आग लगा के खोज लेंगे। चले देखिएगा, इतना आसान नहीं होता प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाए, प्राइम मिनिस्टर अकेले थोड़ी डंडा लेके चले जाएंगे। देखिएगा इंडिया में जो डाटा मैं बोल रहा हूँ पूरे ध्यान से सुनिएगा, इंडिया दुनिया के 12 देशों में से एक है जहां मेगा डायवर्सिटी है। डायवर्सिटी और मेगा डायवर्सिटी में अंतर है, मेगा मतलब बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी, दूसरी बात, हाँ ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में 47,000 टाइप के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है सर, प्लांट्स,
प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। हमारे इंडिया में अब तक जितने भी खोजे गए 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं और 15 और इसमें से भी अब इसमें देखो प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। दुनिया में प्लांट स्पीसीज के मामले में ठीक है वर्ल्ड में इंडिया 10th प्लेस पे है और अगर एशिया की बात करें तो इंडिया उसमें 4th प्लेस पे। there are about 15,000 type of flowering plant in India। भारत में 47,000 के अंदर 15,000 केवल ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है जहां केवल फ्लावर उगती है इसमें ठीक है विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो दुनिया के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आप देखते हो उसके 6% के बराबर है ठीक है केवल भारत में। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न्स एल्गी एंड फंगी। इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सिमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो याद रखिएगा भारत में पूरी दुनिया का 47,000 या 47,000 टाइप का प्लांट पाया जाता है जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो 90,000 टाइप्स ऑफ एनिमल केवल इंडिया में पाए जाते हैं। सोचिए इसकी पूरी है ना इंसाइक्लोपीडिया आती है वहां पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लांट कितने सारे आते हैं। कहेंगे तो भेज देंगे आपकी स्कूल के लाइब्रेरी का तो पता नहीं बेटे लेकिन आपको है ना इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है फिर। हाँ हाँ मैं बता दूंगा सब कुछ उसमें अभी कुछ खास गाइड नहीं किया। नहीं नहीं वो कोई इशू नहीं है मैं सब बच्चों का टाइम निकाल के ना अच्छा 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 रुक जाओ अरे ये लड़की ने मेरे को दिमाग दिया। देखो उसके बाद इसमें और कुछ वर्ड्स है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिना इंसानों के मदद के जो नेचुरली प्लांट उगते हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं ठीक है और इसमें कभी भी इंसानों की दखलंदाजी नहीं होती। भाई जंगल तो तभी बचा रहे इंसानों की दखलंदाजी मतलब इंसान जाके पेड़ वहां ना काटे जंगल को साफ ना करे है कि नहीं। इंसान अगर दखलंदाजी नहीं करेंगे तो प्लांट जैसे के तैसे रहेंगे कोई समस्या नहीं। बिल्कुल है बेटा क्योंकि मान लो कि जब नेशनल सेंचुरी बनाई जाती है तो वहां पे इंसानों का रोका जाता है ना उस चीज से तो बच जाते हैं जी। हाँ अब आदमी मान लो कोई ना माने तो उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना जी। हमने बनाई बेटे और कौन मास्टर दूसरा मैंने तो दूसरा रखा नहीं है इतना खर्चा में दूसरा कहाँ से रख पाएगा। डिटो तो ना है काम चलाऊ है बस बच्चे समझ जाए। दिस इज देखो अगर मान लो ऐसा जंगल जहां कभी कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं उसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है ठीक है। वर्जिन वेजिटेशन मतलब कि जहां कोई छेड़छाड़ नहीं की गई उस जंगल के साथ कुछ भी नहीं किया गया। दस कल्टिवेटेड क्रॉप एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। देखिए आपको पता होगा कि आप जो क्रॉप उगाते हो गेहूं चावल की फसलें उगाते हैं फ्रूट्स के भी बागीचे बागान लगाते हैं है ना और जितने भी हैं ये सब भी वेजिटेशन के पार्ट हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आते। जी बेटा ऐसा तो नहीं है सब जगह लोग तो जा ही चुके हैं। हो बेयर गिल्स से तो कुछ भी नहीं बचा होगा। देखिए ये जो वर्जिन वेजिटेशन में बोल रहा हूँ ना यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन ठीक है ना तो मैं इसके बारे में सुनने बॉक्स में भी दे रखा है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेटा और कहाँ जापान से आते हैं। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन यहाँ पे क्या मतलब है देखिएगा द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक
or indigenous species, but those which have come from outside India are termed an exotic plant. वही बताएंगे, इसका पैसा लेते हैं. वर्जिन वेजिटेशन का मतलब है कि यहां पर जो आपको ऐसे जगह के जंगल आप देखो जहां पे किसी भी तरह से बाहरी कोई फॉरेन का कोई भी प्लांट आपको ना दिखे उस जंगल. कोई जंगल का एक हिस्सा लीजिए और देखिए कि वहां क्या ऐसा भी कोई प्लांट है जो बाहरी जंगल से आया है या कहीं से नहीं आया, इसका मतलब वही वर्जिन वेजिटेशन है. इसमें भी दो पार्ट है. इसमें अगर मान लो कि उस फॉरेस्ट का जो प्लांट है केवल इंडिया का है, मतलब देसी है, बाहर से कहीं नहीं आया, तो उसको एंडोजेनिक या इंडिजिनस. तो यहां बैठ जाने बेटे, दीदी ने भी देखने दे, ठीक है. इंडिजिनस नहीं तो क्या कहते हैं, एंडोजेनिक, ठीक है, ये कहते हैं, नहीं एंडेमिक कहते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, एंडोजेनिक नहीं एंडेमिक, एंडेमिक. और अगर मान लीजिए कि उसमें बाहर के भी प्लांट हो तो उसको एक्सोटिक प्लांट कहेंगे. ये पेपर में आएगा, किसी भी तरह से आएगा आपके. मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता दूं, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको आपके इस एनसीईआरटी बुक को छोड़ करके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं. चैप्टर पढ़ लीजिए, नहीं इसको निचोड़ करके इसका जूस पी जाइए बिल्कुल. किसने कह दिया सपोर्ट मटेरियल बहुत गलत चीजें होती है, याद रखिए, करेक्शन करनी पड़ती है बहुत ज्यादा बेटे. सपोर्टिंग मटेरियल से 9th, 10th, 11th, 12th सब पढ़ा रखा है मैंने. मैं आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. सपोर्टिंग मटेरियल रिवीजन के लिए ठीक है आपका, लेकिन इससे नोट्स बनाने चाहिए, आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए इसमें. जी वो बत्ती खराब हो जाएगी ना, अभी थोड़ा अंधेरा होने दो, फिर जला देंगे. अच्छा हाँ, तो सॉरी हम भूल गए, आप 9th क्लास में. हाँ हाँ पढ़ लीजिए, आपका मास्टर जिससे देता है पेपर उसी से पढ़ लीजिए. चलिए हाँ, तो बस तेरा तो मोटा कर जाओ भाई. द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. देखिएगा, फ्लोरा एंड फ्यूना, तो फ्लोरा जो होता है प्लांट्स के लिए एंड फ्यूना एनिमल के लिए. क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा जा रहे हैं, गुड. ऐसे ही रिदम बनाए रखें. अब देखो यहां पर यह बात हो रही है कि जो बायोडायवर्सिटी है, फ्लोरा और फ्यूना है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि पेड़ पौधों की वैरायटी या जानवरों की जो वैरायटी है, इसको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो खत्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. अब ये तो कुछ करेगा नहीं, ये तो साफ करता है. नहीं, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे. फैक्टर्स इफेक्ट करने का मतलब है कि पहला है लैंड. लैंड की बात करें तो लैंड कैसा हो, लैंड डिपेंड करता है ना, जैसा लैंड होगा उतना ही ज्यादा जंगल मिलेगा, ठीक है. तो लैंड देखो किस तरह से है कि डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनस प्लेटो एंड प्लेन एरिया और इन ड्राई एंड वेट रीजन. माउंटेन पे अलग तरह के प्लांट उगेंगे, जंगल अलग टाइप का होगा, प्लेटो पे अलग टाइप का होगा, प्लेन पे अलग टाइप का होगा, और आपको पता है डेजर्ट में बहुत कम होगा, नहीं तो बुशी लैंड, बुशी प्लांट्स मिलेंगे या कटीली झाड़ियां, समझ रहे ना. तो लैंड मैटर करता है कि नहीं. ये पहाड़ की मिट्टी, मैदान की मिट्टी, पठारों की मिट्टी, प्लेटो की या रेगिस्तानी मिट्टी या जो भी डेजर्ट जो सॉइल है, वो तो मैटर करती है, उसी पर तो प्लांट को ग्रो करना है. अब ऐसा थोड़ी है जो अमन हाथ खोला चार झाड़ियां उग गई, है ना बेटे. तू पालक उगा ले और एक हाथ पे धनिया, हम लोग का घर भी चलता रहेगा, है ना, किचन हमेशा हैप्पी हैप्पी और ऑर्गेनिक, ठीक है, इनका खाद मत छिड़क देना उसे. देखिए सॉइल की बात करें, सॉइल का भी ऐसा है, जिस तरह की सॉइल होगी उसी तरह का वेजिटेशन होगा, ठीक है.
अब मान लो सैंडी सॉयल है तो वहां पर कभी भी आप चाहो कि देवदार के ट्री या पाइन के ट्री उगा लो जो कि पहाड़ों में उगते हैं। अब सैंडी सॉयल में तो हो ही नहीं सकता है कि लोमी सॉयल नहीं, जो जिस सॉयल में जो प्लांट उगता है उसी में अच्छे से उग सकता है। बेटा वहां का जो क्लाइमेट है ना सेब के या एप्पल की खेती के लिए वो बहुत ही अच्छा है। राजस्थान नहीं, हिमाचल के, हिमाचल के सेब भी अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है बेटे मैं बताऊं। हिमाचल में बहुत जगह, शिमला में भी सेब के बागान है, लेकिन हिमाचल में मोस्टली जो किन्नौर है ना, किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का पड़ता है, वहां के सेब सबसे अच्छे माने जाते हैं। हम लोग से कश्मीरी और क्या कहते हैं ये किन्नौर का सेब खाते कहाँ है, आना कहाँ है हम लोग। अरे बहुत ही लो कैटेगरी का, मैं आपको सब समझा देता हूँ। सुनो तो वहां पर का जो एप्पल है ना बेटे, इतना ज्यादा कॉस्टली होता है, इतना डिमांड है विदेशों में कि सब तो फॉरेन में सप्लाई हो जाता है, एक्सपोर्ट कर देते हैं किसान, समझ रहे हैं, सब फॉरेन एक्सपोर्ट होता है। आप असम की जो चाय पत्ती ओरिजिनल होती है, यहाँ पर कितना महंगा भी खरीदो आपको ओरिजिनल चाय पत्ती नहीं मिले। टाटा बिरला जो भी चाय पत्ती बनाते हैं ना, सब लोअर कैटेगरी का जो एकदम फाइन डस्ट होता है ना वो लेकर के देते हैं, वो चाय पत्ती हम लोग पीते हैं। नहीं तो असम की चाय, अरे एक कप चाय मतलब हो गया काम, पूरे दिन भर एकदम टनाटन मामला। बेटे मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये तो एक तरह का तो हम लोग बेटा एक डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री में ये होता है, डेवलपिंग कंट्री डेवलप तभी हो सकता है, एक विकासशील देश विकसित तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा दुनिया के मार्केटों को पकड़े, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा उसके पास, तभी होगा ना। तो मजबूरी है एक किसान को उस फसल को उगाने में, फसल महंगी नहीं है, हम लोग गरीब ज्यादा है, बात समझ रहे हैं आप, हम लोगों के पास इनकम ही उतनी कम है। आपको क्या लगता है विदेशों में आटा दाल चावल इतना सस्ता मिलता है जितना आप खाते हैं? बहुत महंगाई है भाई, ये आपको महंगा लग रहा होगा। फॉरेन कंट्री में सरकार बहुत कंट्रोल रखती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में, तब जाके पेट भर रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के बाद भी एक्सपोर्ट कर देना और बफर स्टॉक बनाना, साधारण बात समझते हैं। तो सर लेकिन जैसे आप बता रहे हो चाहे एप्पल, ये क्यों नहीं लाते फिर हमारे देश में? तो बेटे इसका जरूरत भी नहीं है ना, सरकार इन पे ध्यान नहीं देती, मेरी बात समझिए आप। तो सेफ तो है सर, अभी होगा हेल्थ का क्या करना है यहाँ, यहाँ नहीं। मैं आपको बता, आपका एप्पल खाना आप खाओ कोई दिक्कत नहीं है, उतने पैसे भरो आप। यहाँ पे मेरी बात समझो, कश्मीरी से मान लो कि 300 रुपए किलो है, ठीक है, कंजाले में ला के रखें कितने लोग खरीदने वाले हैं, जाके वही 70 रुपए किलो खरीद के लाएंगे बाजार से हम लोग, ठीक है ना। और बेटे कश्मीरी सेब और किन्नौर के सेब और यहाँ के सेब वहां के सेब, सेब तो सेब ही होता है, हाँ क्वालिटी तो अंतर होती है, आपको न्यूट्रिशन पूरा वो यहाँ के सेब भी उतना ही मिलेगा जितना उतना मिलेगा। लेकिन क्लाइमेट मतलब एप्पल की कैटेगरी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब सब कुछ बिल्कुल। हाँ तो बेटा मीठा रेड ये सब देखने के लिए फिर है ना, आपको अपना मीठा रेड पैसा भी निकालना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोग जो क्या करते हैं मूड, बेटे मूड पे काम होता है क्या, किसको मन करता है एक ही चीज पढ़ाते हुए हर बार ये रिपीट करते रहे, हम तो एक मशीन की तरह काम करते हैं, मूड क्या होता है सोचो। आपके नेचुरल बेस्ड स्टेशन पढ़ा रहे ना, सिक्स में आई थिंक सो सेवेंथ में भी पढ़ा दिया, एट में नहीं, सिक्स और सेवेंथ में दोनों में ये चैप्टर पढ़ाया है मैंने, है ना, याद है ना तुमको, तुम सेवेंथ में हो। क्लाइमेट, क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट में सबसे पहले टेम्परेचर आता है, जिस जगह पे जैसा टेम्परेचर होता है वहां उसी टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब देखो हिमालय में अगर आप हिमालय की हाइट पे पहाड़ों पे जाओगे तो बर्फ रहती है, बहुत अधिक सर्दी रहती है, तो वहां उस टेम्परेचर को सहने वाले उसी टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, है
है ना, ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालय एंड द हिल ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर द फॉल इन टेम्परेचर इफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन दिस ग्रोथ. सर जैसे ये हिमाचल में क्रिसमस ट्री होते हैं, मतलब यहां अगर हम इंडिया में उगा नहीं सकते ना, इंडिया ही है हिमाचल. वो सॉरी दिल्ली में नहीं, हाँ दिल्ली में मुश्किल है. मुश्किल है ना, क्यों? टेम्परेचर भी तो इफेक्ट करता है ना, टेम्परेचर चाहिए. और ऐसा मतलब देखो एक यहाँ बॉक्स है, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशनल जोन. अब देखो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय इसी तरह पूछा, पता नहीं देना. तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और अल्पाइन. अब देखो जहां 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रहता है, 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, कब? एवरेज टेम्परेचर. और जनवरी के महीने में कभी भी 18 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर है, नीचे ना रहे, तो वहां पर क्या होगा? नो फॉरेस्ट, किसी भी तरह का जंगल नहीं मिलेगा. सब ट्रॉपिकल वो होता है जो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में जहां टेम्परेचर हो, और जनवरी के महीने में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो. यहाँ पे फ्रॉस्ट इज रेयर, यहाँ पे कभी कभी ओले ओले गिरने के चांस होते हैं. टेम्परेट 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस पूरे साल भर का एवरेज टेम्परेचर होता है, 7 से 17 डिग्री सेल्सियस तक का, टेम्परेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर जनवरी में -1 से -10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. फ्रॉस्ट सम स्नो, यहाँ पे फ्रॉस्ट भी होती है, मतलब कि ओले गिरते हैं, थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी होती है. अल्पाइन, अल्पाइन वो होता है जहां पूरे साल 7 डिग्री सेल्सियस के लगभग एवरेज टेम्परेचर हो, और जनवरी में 1 डिग्री सेल्सियस से तो हमेशा कम ही टेम्परेचर हो, इस और यहाँ पर हमेशा स्नो होता है. तो इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं वेजिटेशन कैसा होगा, है ना. भाई आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, यही रख लेते हैं.